जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दीवानी न्यायालय परिसर में 26, 27, 28 व 29 सितंबर को जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया कि जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में 26, 27, 28 व 29 सितंबर को NI एक्ट की धारा के अंतर्गत लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर में किया जाएगा। विशेष लोक अदालत में NI एक्ट की धारा के अंतर्गत लंबित मामलों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर न्यायालय में निस्तारण किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा, ये विशेष लोक अदालत माननीय कार्यपालक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश श्री तेज प्रताप तिवारी महोदय के आदेशानुसार दिनांक 26 सितंबर 2022, 27 सितंबर 2022, 28 सितंबर 2022 व 29 सितंबर 2022 को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत लंबित मामलों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर गोरखपुर में किया जाएगा। इसके साथ ही जो बाह्य न्यायालय है बांसगांव और पर भी जो है संबंधित न्यायालय जो है NI एक्ट धारा 138 के मामलों का निस्तारण करेंगे। इसी क्रम में वादकारी जो हैं वो उक्त तिथियों पर आयोजित NI एक्ट की धारा 138 के संबंध में विशेष लोक अदालत में आपसी सुलह वार्ता के आधार पर अपने मामलों को निस्तारित कराकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का उनको एक सुलभ मंच प्रस्तुत किया कराया जा रहा है।